तो आगे बढ़ते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया है कि एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हिमाचली लड़कियों को 15-15 लाख रुपए प्रदान करेगी प्रदेश सरकार। और युवा सेवाएं और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचल की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्प है। और उन्होंने कहा कि कबड्डी महिला वर्ग में सिमौर जिला की ऋतु नेगी और पुष्पा और कुमारी सुषमा, बिलासपुर की कुमारी निधि शर्मा, सोलन की कुमारी ज्योति और कबड्डी पुरुष वर्ग में ऊना जिला के विशाल भारद्वाज स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इन सभी 6 खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिलासपुर जिला की दीक्षा कुमारी, प्रियंका ठाकुर और शालिनी ठाकुर, सोलन जिला की निधि शर्मा, मिताली शर्मा, भावना और मेनका ने हैंडबॉल खेल स्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व किया। इन सभी 7 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, ये बड़ा ऐलान किया गया है खिलाड़ियों के लिए, किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल, यही बात की जाए तो खेल मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा है कि सभी 6 खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। खासकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल सरकार हिमाचल के खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्प है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जो चीन में आयोजित एशियन खेलों के जो पदक विजेता है हिमाचल खिलाड़ी को सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि 29 सितंबर से जो 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित एशियन खेलों में हिमाचल के 6 खिलाड़ी पदक विजेताओं में शामिल रहेंगे। जी, तो खेल में जो युवा जो बच्चे अपना भविष्य देखते हैं उनको किस तरह से इस ऐलान के बाद प्रेरणा मिलेगी? जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी। मेरा सवाल यह है कि जो बच्चे और जो युवा खेलों में अपना भविष्य देखते हैं उनको इस कदम से कितनी प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर इंडोर गेम अधिक खेली जाती है, लेकिन ऐसे में जो युवा वर्ग है उनमें काफी प्रोत्साहित है। देखा जाए कि प्रत्येक जिला में विक्रमादित्य सिंह का तहे दिल से धन्यवाद युवाओं ने किया, क्योंकि पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे बर्बाद, लेकिन आज ये कहावत साबित नहीं। आज खेल जगत में अत्यधिक पैसा, चाहे हम क्रिकेट की बात करें या कबड्डी खो खो, प्रत्येक जो वर्ग है आज की डेट में उत्साहित है। खासकर युवा वर्ग अत्यधिक खुशा है और खासकर देखा जा रहा है कि काफी लोगों ने विक्रमादित्य सिंह का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त किया। जी जी, तो ऐसे में जिन खिलाड़ियों के लिए ऐलान किया गया है उनमें किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए जो खिलाड़ी है जिनमें से हम बात करेंगे, बिलासपुर जिला की दीक्षा कुमारी है, प्रियंका ठाकुर है, शालिनी ठाकुर, सोलन जिला की निधि शर्मा, मिताली शर्मा, भावना व मेनका ने हैंडबॉल में खेल स्पर्धा में प्रतिनिधित्व किया। उन खिलाड़ियों के अंदर काफी उत्साहित है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, जो आने वाली युवा पीढ़ी भी है वो भी खेल की तरफ काफी अग्रसर होगी और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश अन्य जो भी खेल होंगे, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो, इसमें अधिक से अधिक नाम हिमाचल प्रदेश का रोशन करेंगे और युवा पीढ़ी इससे काफी प्रोत्साहित होगी। जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कामेश्वर।